तो हाय फ्रेंड, अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपका खाता बैंक अकाउंट में जरूर होगा तो आप अपने पैन कार्ड को एक बार वेरीफाई जरूर करा लें, क्योंकि हो सकता है अगर आपने जो है 2-3 या 4-5 या 1-2 साल से अगर आपने आधार कार्ड अपने जो है पैन कार्ड को वेरीफाई नहीं कराया है तो आप अपने पैन कार्ड को वेरीफाई करा लीजिए। अगर वो इनवैलिड हो जाता है तो इसका असर आपके बैंक खाते पर पड़ेगा, इसलिए बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप आधा मिनट में ये चेक कर लेंगे कि आपका पैन कार्ड जो है वो अभी एक्टिव है या डीएक्टिवेट हो चुका है। तो कैसे करना है, चलिए हम वो आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाते हैं कैसे करना है। तो चलिए यहाँ पर हम मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपको अपना क्रोम जो है या फिर गूगल जो एप्लीकेशन है वो आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको जो है सर्च करना है इनकम टैक्स। ठीक, तो ये आप जो है जैसे ही सर्च करेंगे तो इसकी सबसे पहले वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो करके आ जाती है। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर पाएंगे, यानी कि ओपन कर पाएंगे। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाती है। यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन आता है इसको हम कट कर देते हैं और यहाँ पर हम साइड में देखेंगे, अगर आपको जूम करके दिखा देते तो एक ऑप्शन मिल जाता है जो है वेरीफाई पैन कार्ड। ठीक, तो हमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, वेरीफाई योर पैन कार्ड डिटेल्स पर हम क्लिक कर देंगे। इस वाले ऑप्शन पर जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया था उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिटेल भरने के लिए आ जाएगी, बस और कुछ नहीं करना होता है। पैन कार्ड, अपना पूरा नाम और जो है डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। चलिए मैं ये पूरी डिटेल्स भर के और आपको बता देता हूँ। तो देख पाएंगे यहाँ पर हमने सारी डिटेल्स भर दी है, जो है अपना नाम और जो है पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर ये कैप्चर कोड। कैप्चर कोड अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में, आपको राइट टू राइट भरना है। ठीक, और यहाँ हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट वाले बटन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पर आधार कार्ड जो पैन कार्ड है अगर वो सही होगा तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिख करके आ जाता है, पैन इज एक्टिव द एंड द डिटेल्स आर मैचिंग विथ पैन। तो आपकी जो डिटेल है वो पैन कार्ड से मैच, यानी कि आपका पैन कार्ड वेरीफाई है, एकदम सही है, क्लियर है। ठीक, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अभी फटाफट से चेक कर लीजिएगा आप अपना पैन कार्ड जरूर। Thank you so much.